हम अपने पिछले अवधि में सरिता नामक कविता को देख रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि इस कविता में गोपाल सिंह जी ने कहा है कि नदी का उद्गम और यात्रा किस तरह वर्णनीय होती है। इस कविता में क्या किया गया है, उस नदी का उद्गम और उसकी जो यात्रा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और यह क्या है, निरंतर बहने वाली जल के बारे में बताया गया है जो प्राणियों की प्यास को बुझाती है, और इसको दूध और माता की तरह कहा गया है। और जो क्या है, निरंतर चलते रहने वाली क्रियाशील गति से रहने वाली जो है, यह सभी मानव जाति को प्रेरणा देती है कि सभी को क्या होना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए। इस तरह इस कविता में दिया गया है। कल की अवधि में हमने इसको देखा था, आज इस अवधि में हम इस कविता का वाचन करेंगे। ठीक है, देखिए, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल तन का चंचल मन का विहल, यह लघु सरिता का बहता जल ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल यह लघु सरिता का बहता जल, हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धारा का वार विमल, सुख पाता जिससे अधिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नीत जल कर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल, कितना कोमल कितना वत्सल रे रजनी का वह अंतस्थल, जिनका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल यह लघु सरिता का बहता जल। ठीक है, इस कविता का वाचन हो गया। आप भी इस कविता को दो या तीन बार घर में अपने पुस्तिका से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तब इसमें से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। आज इतना काफ़ी है। कल की अवधि में इस कविता का शब्दार्थ और भावार्थ को हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।